चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से आज के उत्तर प्रदेश राज्य के सिलेक्टेड काम की बड़ी महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक करें और दोस्तों खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव। सीएम योगी ने दी बधाई धनतेरस और दिवाली की। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में योगी सरकार, जानेंगे क्या है निर्देश। पैसों के लिए मौत बांट रहे गिरोह का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में नकली प्लेटलेट्स बेचने के आरोप में लैब कर्मी समेत 10 गिरफ्तार। श्रृंगार गौरी प्रकरण, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया 100 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में मातम में बदली दिवाली की खुशियां। ट्रक की टक्कर से बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर। एमपी से उत्तर प्रदेश आ रहा कंटेनर पलटा, सड़क पर बिखर गई सैकड़ों शराब की बोतलें। उत्तर प्रदेश में जेल से छूटने के बाद मेरठ पहुंचा श्रीकांत त्यागी, बोला 4 भाजपाइयों ने मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पकड़ा गया आईएस का संदिग्ध, इंडो नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार होगा अब अनिवार्य। धोखाधड़ी खत्म करने के लिए जल्द संशोधित होंगे नियम। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने मोटेश्वर नाथ मंदिर के गेट को मारी लात, वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामला, ईदगाह पक्ष की अदालत में बहस पूरी, 8 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। दिवाली से पहले SBI ने दी खुशखबरी, डिपॉजिट पर ब्याज दर में की बड़ी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के शामली में मेरठ करनाल मार्ग जाम, यमुना पुल पर धान लेकर डटे रहे किसान, वाहनों की 10 किलोमीटर तक लगी कतारें। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा शराबबंदी, ओम प्रकाश राजभर ने की सरकार से मांग। 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर कम हुआ राप्ती का जलस्तर, अब भी 45 गांव पूरी तरह बाढ़ से घिरे। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव। सीएम ने दी धनतेरस और दिवाली की बधाई। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश वासियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज के अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं, ईश्वर से उनकी सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में योगी सरकार, जाने क्या है निर्देश। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की तैयारी की जा रही है। श्रृंगार गौरी प्रकरण, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया 100 रुपए का जुर्माना। जी हां, बता दें कि काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी प्रकरण मामले में अदालत ने अभी मुस्लिम पक्ष के ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। वहीं जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष द्वारा डेट मांगने पर यह कार्रवाई की है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार होगा अनिवार्य। धोखाधड़ी खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द संशोधित होंगे नियम। जिया बता दें उत्तर प्रदेश सरकार धोखाधड़ी कर शादी का पंजीकरण कराने पर रोक लगाने के लिए जल्द ही आधार लगाना अनिवार्य करने जा रही है। दरअसल बता दें उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन भी गई है और जल्द ही इस संबंध में स्टाम्प और पंजीकरण विभाग संशोधन नीति जारी करने वाला है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने मोटेश्वर नाथ मंदिर के गेट को मारी लात, वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। जी बता दें कि भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वह उत्तर प्रदेश के पिपराइच स्थित मोटेश्वर नाथ मंदिर के गेट को जूता पहने लात मार कर खोल रहे हैं। इस दौरान वहां शूटिंग देख रहे किसी दर्शक ने वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दिया है। अब बता दें कि वह विवादों में फंस गए हैं। अब विवादों में फंसने के बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर माफी भी मांगी है। उन्होंने बताया है कि शूटिंग के दौरान लोगों की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दिवाली से पहले SBI ने दी खुशखबरी, डिपॉजिट पर ब्याज दर में की बड़ी बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली से पहले SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में अधिकतम 80 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। नई दरें 2 करोड़ रुपए से कम की डिपॉजिट पर लागू हैं। यह दरें 22 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।
बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा शराबबंदी। ओम प्रकाश राजभर ने की सरकार से मांग। यह बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अभी बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू करने की मांग कर उन्होंने जातिवार जनगणना की मांग करते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी और सुबह सभा की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से निकली सावधान यात्रा आज बलिया जिले में पहुंच गई है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जातिवार की जनगणना करते हुए उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली की मांग करते हुए कहा है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो गरीबों के बिजली बिल माफ क्यों नहीं हो सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।